नेक्स्ट वी हैव यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ए इज 10 माइनस 2 माइनस 5 1 सो सेम मेथड तो सेम ही रहेगा सारे क्वेश्चंस में लेट ए इक्वल्स टू आई इनटू ए इट इम्प्लाइज 10 माइनस 2 माइनस 5 1 इक्वल्स टू 1001 इनटू ए. अब सेम वही मेथड हमने लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी बनानी है तो ऑपरेटिंग आर वन प्लस ट्वाइस ऑफ आर टू एट एम्प्लाइज हम टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो जीरो टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है तो जीरो माइनस फाइव वन इक्वल्स टू 1201 इंटू ए. लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने सेम ऑपरेशन अप्लाई करे आर वन में टू टाइम्स आर टू तो वन एज इट इज टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो टू. नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर वन आर जीरो तो किसी भी रोज या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे देन इट इम्प्लाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा राइट. नेक्स्ट ए इक्वल्स टू सपोज इट इज गिवन 4534 सो लेट A equals to I into A, it implies 4534 equals to 1001 into A. अब हमने इसको सॉल्व करने आगे नाउ मैं दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए 4534 इक्वल्स टू 1001 इंटू ए. अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो आर वन को ऑपरेट कर लेते हैं आर वन माइनस आर टू इट एम्प्लाइज आर वन में से आर टू को माइनस कर रहे हैं तो 1134 इक्वल्स टू 1-1 01 इंटू ए. जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं वो सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे अप्लाई करना है तो आर वन माइनस आर टू एज 1 0 माइनस 1 एज माइनस 1 आर टू एज इट इज. नाउ वी हैव 1134 तो हमें चाहिए 1001 तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं आर टू को ऑपरेट करते हैं आर टू माइनस 3 टाइम्स आर वन इट एम्प्लाइज 1 1. अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो 0 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 इक्वल्स टू फर्स्ट रो एज इट इज सेकेंड रो माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट रो तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस इट इज 4 इंटू ए. नाउ 1001 चाहिए हमें तो अगेन ऑपरेटिंग आर वन माइनस आर टू इट एम्प्लाइज 1001 इक्वल्स टू नाउ आर वन माइनस आर टू 4 माइनस 5 माइनस 3 4 इंटू ए इट एम्प्लाइज वही बन गया आई इक्वल्स टू बी ए इट एम्प्लाइज बी इक्वल्स टू ए इनवर्स और 4 माइनस 5 माइनस 3 4 इक्वल्स टू ए इनवर्स. अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑपरेशन लगाना है. इट नीड्स प्रैक्टिस. जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि हमने कैसे किस में से माइनस करना है या प्लस करना है जिससे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी बन जाए. नेक्स्ट अब हम लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स. 2x2 का इजी है 3x3 थोड़ा साइज से टफ है. नाउ ए इज गिवन 2 माइनस 3 3 2 2 3 एंड 3 माइनस 2 2 इसे भी हमने ऑपरेट करके इनवर्स फाइंड करने लेट ए इक्वल्स टू आई इनटू ए इट एम्प्लाइज 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2
इक्वल्स टू 100 01 0 0 1 मैंने आपको बताया था। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा उसी सेम ऑर्डर की हम आइडेंटिटी लेंगे। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में, मींस 100 01 0 एंड 001 में। तो ऑपरेटिंग R2, हम R2 को ऑपरेट कर रहे हैं R2 - R1, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो 0, इसको माइनस करेंगे 5, 3 - 3 0, 3 - 2 2 एज इट इज, थर्ड रो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो -1 1 0 0 0 1 इंटू 8। अब देखो सेकेंड रो हमें चाहिए थी 0 1 0, हमारे पास आ गई 0 5 0, तो पहले हम 5 को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 में। R2 1 by 5 R2, 2 - 3 3 0 1 0, 3 - 2 2 equals to 100 - 1 by 5, 1 by 5 0 0 0 1 into 8। तो एक रो तो हमारे पास बन गई। अब हमने बनानी है फर्स्ट और थर्ड रो। तो ऑपरेटिंग R3 को हम ऑपरेट कर रहे हैं R3 - R1, क्योंकि एक बारी में नहीं बनेगी, ऑड नंबर है वो इवन नंबर है। तो हमारे पास आ गया 2 - 3 3 0 1 0। नो R3 - R2 is 1, R3 is -2, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1। नाउ R3 2 - 3 is -1 इक्वल्स टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज लिखेंगे, थर्ड रो में से हम फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं तो -1 0 1 इंटू 8। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटिंग R1 - R3, सो वी हैव R1 था हमारे पास 2 - 3 3, सो माइनस करके आ गया 1 - 4 4, 0 1 0 1 1 - 1 इक्वल्स टू R1 में से हम 3 को माइनस कर रहे हैं तो इट इज 2 0 - 1, -1 by 5 1 by 5 0, -1 0 1 इंटू 8। नाउ अब हमें यहाँ चाहिए 0 0 एंड 1। तो ऑपरेटिंग R3 - R2, 3 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो 0 माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 - 1 0, 0 को माइनस करा तो अगेन -1। नेक्स्ट 2 0 - 1, -1 by 5 1 by 5 0। नाउ R3 - R2, तो -1 + 1 by 5 इट इज -4 by 5, -1 by 5 and 1 इंटू 8। अब हमें चाहिए 1 0 0, तो पहले हम इसको 0 कर लें। ऑपरेटिंग R1 R1 + 4 times R2, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तभी 0 होगा, 1 0 4 0 1 0 1 0 - 1 इक्वल्स टू, नाउ R1 + 4 times R2, तो 2 - 4 by 5 इक्वल्स टू 6 by 5, 0 + 4 by 5 means 4 by 5, -1 as it is -1 by 5 1 by 5 0, -4 by 5 -1 by 5 and 1 into 8। अब हमें यहाँ चाहिए 0 और यहाँ भी 0 चाहिए, तो पहले हम इसको कर लें, अगर इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग R3, ये भी ध्यान रखना है, R3 - R1 1 0 4 0 1 0 1 - 1 0 0 0 एज इट इज, तो ये आ गया -1 - 4 हो गया -5,
फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, माइनस फोर बाय फाइव माइनस सिक्स बाय फाइव, तो माइनस टेन बाय फाइव मीन्स माइनस टू. नेक्स्ट वी हैव माइनस वन बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव मीन्स माइनस वन, एंड वन माइनस माइनस प्लस टू इंटू ए. अब ये तो हम दो बार पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं. ऑपरेटिंग आर थ्री माइनस वन बाय फाइव आर थ्री मीन्स हम फाइव से माइनस फाइव से डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज जीरो जीरो वन, तो अब हमारे पास थर्ड रो भी बन गई. सिक्स बाय फाइव, फोर बाय फाइव माइनस वन, माइनस वन बाय फाइव, वन बाय फाइव जीरो. थर्ड रो को हम माइनस फाइव से डिवाइड कर रहे हैं, तो टू बाय फाइव, वन बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव इंटू ए. अब ए की एलिमेंट रह गया हमारा जीरो करना. सो ऑपरेटिंग आर वन, आर वन माइनस फोर टाइम्स आर थ्री, तो इट इज वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन बन गया आइडेंटिटी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में. अब सेम हमने ऑपरेट करना है राइट हैंड साइड को. आर वन, आर वन था हमारे पास सिक्स बाय फाइव माइनस फोर टाइम्स आर थ्री, तो सिक्स बाय फाइव माइनस एट बाय फाइव इज माइनस टू बाय फाइव. देन नेक्स्ट इज फोर बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव, इट इज जीरो. नेक्स्ट इज माइनस वन प्लस एट बाय फाइव, सो इट इज थ्री बाय फाइव. सेकेंड रो एज इट इज माइनस वन बाय फाइव, वन बाय फाइव जीरो, टू बाय फाइव, वन बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव इंटू ए. इट एम्प्लाइज I equals to B into A, it implies A inverse equals to B. अगर हम इसको B कहते हैं तो A inverse equals to minus 2 by 5 zero, 3 by 5 minus 1 by 5, 1 by 5 zero, 2 by 5, 1 by 5 minus 2 by 5. तो ऐसे आपने करना है 3 by 3 ऑर्डर बना.